सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिफायर बॉटल्स के बारे में। ऐसी बॉटल्स आपने कई सारी जगहों पर देखी होगी, तो ये क्यों यूज होती है उसी के बारे में आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए ताकि अगर यहां से आपको कोई अपडेट नहीं मिलती है वहां पे जरूर से मिलेगी। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिफायर बॉटल्स के बारे में। अब आपने ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स काफी सारी जगहों पे देखी होगी, हॉस्पिटल में तो बहुत सारी जगहों पे, प्लस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी हुई होती है। ऐसी ही कोई चीज आपको सीपैप में भी देखने को मिलेगी जहां पे आप पानी डालते हो। ये क्यों होती है, ये क्यों लगाई जाती है, कैसे काम करती है, वही आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली हमें जो एयर मशीन से मिलती है वो कंप्लीटली ड्राई होती है, वहां पे कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। आप जो नॉर्मल एयर एब्जॉर्ब कर रहे हो वो ह्यूमिडिफाई है, वहां पे हवा में काफी सारी ह्यूमिडिटी होती है तो वो आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मशीन से जो एयर निकलती है, चाहे वो वेंटिलेटर हो चाहे वो मशीन हो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बेसिकली वो करता क्या है कि बाहर की एयर को फिल्टर कर लेता है, उसमें सारा मॉइस्चर सारी ह्यूमिडिटी निकाल के एक कंप्लीट ड्राई एयर आपको मिलती है। अब अगर आप वो ड्राई एयर लंबे समय तक अगर लोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है, वो कंप्लीटली ड्राई है उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है। तो इसीलिए ये बॉटल का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में भी सेंट्रल लाइन पर ये बॉटल लगाई जाती है, वहां से ऑक्सीजन को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ऐड हो इसीलिए ये बॉटल का यूज होता है। अब बेसिकली ये बॉटल में रखा जाता है पानी। अब पानी कौन सा यूज होता है, मोस्टली सब डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। अगर आप भी घर पे ऐसी कोई बॉटल का यूज कर रहे हो तो यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उसमें जो पानी आप डाल रहे हो वो नॉर्मल मत डालिए, डिस्टिल्ड वाटर ही आपको डालना चाहिए, जिसका कैन बहुत ही सस्ती कीमत पे मार्केट में मिलता है। तो इसमें रखा जाता है डिस्टिल्ड वाटर। अब होता क्या है कि ड्राई एयर जो मशीन से निकलती है वो जाती है वो बॉटल के अंदर। अब बॉटल के अंदर पानी है, वो पानी के अंदर एयर जाती है तो उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उसके बाद वो पेशेंट तक जाती है ताकि पेशेंट को एक ऐसी एयर मिल रही है जिसमें ह्यूमिडिटी है। तो लंबे समय तक अगर वो वही एयर लेगी तो गले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना पूरा गला जो है वो रैशेस उसके अंदर रैशेस हो जाता है, छिल जाता है, ताकि बहुत ही सारी दिक्कत आती है क्योंकि वहां पे आप ड्राई सूखी एयर ले रहे हो। तो ये बॉटल को इसलिए लगाया जाता है ताकि वहां पे जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़े, ताकि आपको सांस लेने में लंबे समय तक कोई भी दिक्कत ना हो। यहां पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप घर पे यूज कर रहे हो तो डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज कीजिए। बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी ये बॉटल के बारे में जान पाए, उसके अंदर कौन सा पानी रखना चाहिए वो जान पाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। अगर आपको ऐसे ही अंदर वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कॉन्टेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।